हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फाइनली वो दिन आ गया, आज है मेरा जॉब का फर्स्ट डे। नहा के रेडी हो गया, बस निकलना ही है। अभी टाइम हो चुका है 8:10। थोड़ा सा नर्वस हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी फर्स्ट डे के लिए। आई डोंट नो कैसे क्या होगा, बट जो भी होगा अल्लाह की मेहरबानी से सब बेटर ही होगा। वो नाश्ता वगैरह कर लिया। मेरी जो शिफ्ट है जॉब की 9 से 5। जॉब पर जाने के बाद कैसा दिन गुजरेगा, स्टाफ कैसा है, क्या क्या करूँगा, फर्स्ट डे है तो सब कुछ ऑब्जर्व ही करूँगा। एक साल इंटर्नशिप तो करी थी हमने, एज अ जॉब ही करी थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस अलग था और जो अब जॉब का मेरा एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा। एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो फटाफट से निकलते हैं जॉब के लिए। एंड आज का पूरा दिन जो भी मैं करूँगा, जैसे भी करूँगा, बस मना ना करे कोई वहाँ पर शूट करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट डे है सो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो चलो ठीक है, निकलते हैं और बाय बाय। किसने यहाँ परेशान कर रखा, एक एली ने ये परेशान कर रखा। चल नीचे उतरो, चलो 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 चलो। ड्यूटी पे आए हुए हो चुके हैं पूरे 1 घंटा। अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ, 2-3 दिन तक ऑब्जर्व ही करूँगा सारी चीज़ें। बट हाँ, स्टार्टिंग जो हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है और मतलब कोई बंदिश सी नहीं लग रही है, खुल के है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ ने बहुत प्यार से बात करी और ओवरऑल यहाँ पर 2 स्टाफ हैं, ज़्यादा बड़ी लैब नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर देख सकते हो आप सीरो है, हिमैट है, मतलब कि जिसमें मैं काम सीखना चाहता था वहाँ पे, यहाँ बेसिक वो सारी मशीन्स है, काम सीख सकता हूँ आराम से। और एज यू ऑल नो केयर फ्रेशर हूँ, एक मौका ही मिला है, वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आगे इन फ्यूचर मुझे अच्छा एक प्रेफरेंस मिल सके। जो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और शिफ्ट ख़त्म होगी 5 बजे। स्टार्टिंग सर आया ना कि मतलब यार एक जगह बैठा नहीं जाता, टांगे एक जगह टिकती नहीं है, बट अब आदत डालनी पड़ेगी। तो ये है हमारी एक लैब और अभी तो फिलहाल मैं अंदर ही यहाँ पर आया हूँ। ये एंट्री गेट है, इस साइड देख सकते हो। ये है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट की मशीन, ये है हार्मोनल कोबास E411 जिसमें TSH वगैरह होते हैं सारे मशीन्स, और ये है हिमैट सीरो और क्लिनिकल पैथ। बेसिक सारे टेस्ट जो भी होते हैं बेसिक वो सारे यहाँ पे होते हैं। ये रखी है मेरी नोटबुक, इसमें अभी जस्ट मैं अपने बेसिक एक नोट्स बना रहा था क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। सो बस उसी को बैठ के नोट्स बना रहा था। दिन मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस जॉब का फर्स्ट डे का कैसा रहा, ऑसम था, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा मिला, मतलब कि उससे थोड़ा ज्यादा ही मिला है। क्योंकि यार मेरा ये पर्सनली मानता कि जॉब करूँ तो जो वहाँ पे स्टाफ हो, मतलब एक जेन्युइन लोग हो, सब लोग काफी अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा, सब का बातचीत हेल्पफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये एक होता है यार जब हम स्टाफ एक टीम वर्क करते तो ये चीज सोचते हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि करीबन 1 घंटे का सफर जाने का है, 1 घंटे का आना है, वापसी में तो ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि शाम को जाम हो जाता है। बट अभी न्यू स्टार्टअप है सो टाइम तो लगेगा। फाइनली मैं आ गया घर, घर पर कोई है नहीं, मम्मी से बात हुई थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो अमायरा भाभी सब लोग आ रहे हैं, भाभी को चाहिए पार्टी में जो ज्वाइनिंग हुई है मेरी, और थोड़ा फ्रेश हो जाता उसके बाद मैं जा रहा हूँ जिम। यू एवरीवन, क्या हाल चाल है, थैंक यू सो मच अमायरा ऐसे बेटा, हैप्पी बर्थडे नहीं है, उससे भी बड़ा है कुछ,
वैसा आप क्या समझोगी? ये नहीं होता आदमी थका हुआ है चाबी काट लेके। अरे वो बात नहीं है, चाबी पापा के पास थी, कम से कम फोन करके मुझे बता दे, इसलिए मैं परेशान हो रहा था। यस मॉम, चलो ये टॉपिक बाद में बात करना। अब हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? कहाँ, अब तो ड्यूटी लग गई, अब टाइम नहीं है। नहीं, अब रात तो रात अपनी है, रात अपनी पूरी रात तमाशा करूं चाहे। कहाँ? नहीं यार, इधर बैक में ना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है भाई। अरे राजू भाई आओ, आपके कहाँ? अब मैं भी भाई की तरह, अब मैं भी भाई की तरह बोलूंगा, मेरे पास काम वाम नहीं है क्या, मैं घूमता रहूं बस। हम ऑटो में लेके आ रहे थे, ऐसे दो सीट होती है, हाँ। इस वाली सीट पे मैं और मम्मी बैठे थे, उस वाली सीट पे हमारा बैठी, हमारा बोली ऐसे करके बैठी ये डंडा पकड़ के, ऑटो ने जैसे दचकी ली हमारा डंडा पकड़ के सीट से उतर गया। रे 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 रे, ये क्या था मायरा? कसम से हसत के नहीं बता रही सब, बताया था पैर ऐसे, अपने पैर ऐसे टेढ़े करके और डंडा पकड़ के जीवन ले यार, मम्मी के लिए मेरा बच्चा कौन है? हम आ रहे हैं। हमारा सुनो तो सही, बात ही नहीं कर लो, आप आए हो, चाचू को विश भी नहीं किया आपने, चाचू को विश तो कर दो। मैं, मेरी तो जॉब लग गई, अब मायरों को मैं चॉकलेट खिलाऊंगा बहुत सारी, मीनू को नहीं खिलाऊंगा, ठीक है? मीनू को नहीं खिलाऊ, हमारा मीनू को नहीं खिलाऊ, मीनू को नहीं खिलाऊ। क्या हुआ आपको भी खानी है चॉकलेट? इच्छी करो से मायशु कह रहा है, मायशु की याद आ रही है, किच्ची कर दो, किच्ची कर दो। अरे बहुत मीठू है। तो आगे हम जिम से, होप कि मेरा आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मैं करूंगा अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। भाभी करूँ एंड अभी या कुछ कुछ मतलब? अच्छा फिश बन रहे, भाभी कह रही है आज फिश। हाँ यार मुझे बहुत पसंद। अच्छा इसी खुशी में बना रही हो क्या? इसी खुशी में लेके आई हूँ मैं, नहीं आई लव दिस। सच में मुझे फिश बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी सरप्राइज का खोल, वैसे मैं ये सरप्राइज अपने घर देने वाली थी, सच कह रही है सरप्राइज। मैं तो ये आप किसके घर में हो अभी? आप, मैं अपने ससुराल आ रही हूँ ना, पहले मैं दूसरे ससुराल में थी, पुराने अभी नए ससुराल में आ गई। वैसे सही बात है ये तो, बट घर ससुराल कुछ नहीं, सब अपने ही है यार। तो भाई इसमें चल रही है मेहनत। अभी अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग जॉब। सो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी टाइम के बाद बोल रहा हूँ यार कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।